मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों मूर्ति देवियों श्री कबीर संस्थान नवापारा राजीम की महासमिति के बैठक त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन और साथ साथ सतगुरु कबीर सतगुरु विशाल साहेब श्रद्धेय संत श्री शरणपाल साहेब जी और श्री अमृत साहेब जी इन तीनों की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं हमारे जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व तो होता है सत्संग से मिलता क्या है अभी जो सुन रहे थे सत्संग से वह अदृश्य चीजें मिलती है मिलती क्या है उसके उद्घाटन उस की प्रेरणा मिलती है जिसके बिना हम जी नहीं सकते और जीते भी हैं तो भीतर से उदास खाली खाली होकर जीते हैं या पागल बन करके जीते हैं दया की क्षमा की प्रेम की करुणा की भक्ति की श्रद्धा की धर्म की शक्ति सबके भीतर है त्याग और बैराग की साधना की शक्ति सबके भीतर है लेकिन वह शक्ति सुप्तावस्था में पड़ी हुई है उस शक्ति का जागरण सत्संग के माध्यम से संतों की संगति के माध्यम से होता है संत गुरु आधार और न रक्षक कोई किते जो भी शांत इच्छुक व्यक्ति है और शांत दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है और शांति सुख प्रसन्नता के लिए ही तो आदमी सब कुछ कर रहा है लेकिन सच्ची शांत सच्ची प्रसन्नता सच्चा सुख और आनंद कहां है किसमें है इसका ज्ञान इसका बोध संतों की संगति और सत्संग के माध्यम से ही होता है थोड़ा सा विवेक करें ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है जैसे हमें जीवित रहने के लिए और साथ साथ शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता है ऐसे ही अपने भीतर की जो शक्ति है प्रेम की दया क्षमा की करुणा की धर्म और भक्ति की उस शक्ति को जागृत करने के लिए और साथ साथ प्रसन्नता से शांति से आनंद से जीने के लिए रोज सत्संग करने की आवश्यकता है रोज सत्संग नहीं कर सकते सत्संग नहीं मिल सकता तो रोज अपने घर में बैठ करके कम से कम आधा घंटा या एक घंटा ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है सत्संग नहीं करेंगे संतों की संगति नहीं करेंगे और ज्ञान के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे जो शक्ति आपके भी, हमारे भीतर है जो शक्ति हमें प्रेरणा देती है हमें जीने के लिए बल देती है उस शक्ति का जागरण नहीं हो सकेगा आखिर सब कुछ तो है बढ़िया मकान है खेत है खलिहान है जमीन जायदाद है व्यापार बट्टा है नौकरी है परिवार है लेकिन फिर भी आदमी भीतर से खाली खाली अनुभव क्यों कर रहा है क्यों ऐसे ऐसा लगता है हर क्षण कि मेरा कुछ खो गया है और जो खो गया है वो दिखाई नहीं पड़ता दिखाई पड़ने की चीज भी नहीं है वो समझने की अनुभव करने की चीज है हम महसूस कर रहे हैं ये भी महसूस करते हैं कि मेरा कुछ खोया हुआ है लेकिन क्या खोया हुआ है इसका ही पता नहीं है इसका पता पाने के लिए सत्संग और संगति की आवश्यकता होती है लेकिन इस बात पर इस विषय पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है इसलिए जो सुख हमें चाहिए जो शांति चाहिए जो प्रसन्नता चाहिए उन सब का अनुभव जीवन में हम नहीं कर पाते जीवन में एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित रह सकते हैं यदि दिन भर पानी पीने को न मिला तो भी जीवित रह सकते हैं और यहां तक हम कह सकते हैं कि बिना भोजन के आप दो दिन चार दिन छह दिन भी जीवित रह सकते हैं कितने लोग हैं उपवास करते हैं दस दस दिन को उपवास कर लेते हैं खाते कुछ नहीं है एक दिन दो दिन पानी ना पिएंगे तो भी आप जीवित रह लेंगे लेकिन बिना हवा के कितने दिन जीवित रहेंगे एक घंटा जीना भी मुश्किल है ऐसे ही प्रेम के बिना क्षमा और शांति के बिना दया और करुणा के बिना धर्म के बिना हम एक क्षण भी सुख से जीवन नहीं जी सकते हैं और उसके जागरण के लिए हमारे पास समय ही नहीं है छोटे बड़े जितने भी आश्रम बनते हैं जितनी भी धार्मिक संस्थाएं बनती हैं सबका उद्देश्य केवल वही होता है बाहर से जो चीज़ जो चीज़ दुनिया में है। बड़े बड़े बाजारों में सेठों साहूकारों के गोदामों में राजाओं के कारखाने में ने राजाओं के भी कोषागारों में जो चीज़ नहीं मिल सकती जिस चीज का उत्पादन बाहर कहीं नहीं हो सकता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए लोगों को बताने के लिए जागरण करने के लिए ही आक्रमों का संस्थाओं का निर्माण होता है इस है और स्थापना होती है जितने धर्मस्थल बनते हैं मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा आदि वे भी क्यों एक उपासना के लिए बनते हैं इष्ट की याद करने के लिए बनते हैं इष्ट से जुड़ने के लिए बनते हैं अपने से जुड़ने के लिए बनते हैं लेकिन आप किसी मंदिर में जाएं, किसी मस्जिद में भी जाएं या किसी अन्य धार्मिक स्थल में जाएं, वहां जाकर केवल अपनी ओर से पूजा कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं विनय वंदना कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं अब वो सब करने से कितना आपको संतोष मिलता है आपके भीतर का प्रेम आपके भीतर के जो दया है जो धर्म है जो भक्ति है जो आत्मबल है उसका जागरण कितना हो सकता है आप समझ सकते हो अपने से कर तो सकते हो लेकिन वहां कोई प्रेरणा देने वाला नहीं मिलेगा आपकी गलती को बताने वाला आपकी भूल को बताने वाला सही दिशा की ओर संकेत देने वाला वहां कोई नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि वहां कोई जीवित मनुष्य नहीं है किसी महापुरुष की प्रतिमा है या केवल शून्य स्थल है वो उपासना स्थल तो है लेकिन पूरा का पूरा संतोष वहां से नहीं मिलेगा शंकाओं का समाधान नहीं होगा जिज्ञासाओं का निराकरण नहीं होगा प्रेरणा कहां से मिलेगी किससे मिलेगी शंकाओं का समाधान जिज्ञासाओं का निराकरण किससे होगा किसी जीवित व्यक्ति से और जीवित व्यक्ति कौन जिसकी जिज्ञासा का निराकरण हो चुका हो जिसकी शंकाओं का समाधान हो चुका हो और जो अपने भीतर जो अंतर्निष्ठ शक्ति है या तो उसका जागरण कर चुका हो या जागरण करने के लिए प्रयासरत हो उनसे ही हमें प्रेरणा मिलेगी और इसी के लिए संत आश्रम और संस्था का निर्माण होता है इसलिए जो संत आश्रम में रहते हैं या किसी धार्मिक संस्था में रहते हैं उसके जो व्यवस्थापक होते हैं उसके जो संचालक होते हैं यहां का वहां का जो अगवा होता है वहां जो रहने वाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यदि किसी धार्मिक आश्रम या संस्था कोई मठ उसका निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ संस्था की शुरुआत केवल इसलिए की गई कि लोगों से हम चंदा लेकर के मठ बना लें मठ का विस्तार कर लें वहाँ सत्संग नहीं होता है अध्यात्म की चर्चा नहीं होती है आगुंतुकों की सेवा नहीं होती है तो ऐसे मठ और ऐसे आश्रम ऐसे संस्थान समाज में केवल प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे गलत प्रेरणा वहां से मिलेगी मठ बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है आश्रम बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है चंदा देने वाले भगत मिल जाएंगे लेकिन क्यों बनाया गया कितने बनाया गया आश्रम तो बन गया अकेले व्यक्ति रह रहा है गए तो ताला लगा दिए और कहीं दूर से बसे बड़ी आशा से संत भक्त आ गए वहाँ आश्रम में जाएंगे कुछ संत तो सेवा करेंगे जाए तो निराशा दोबारा लौट कर कब तक आएगा वो कितनी बार आएगा तो पहले तो हमें सोचना होगा ये भी जो आश्रम बना है हम भी एक आश्रम में रहते हैं संसान में रहते हैं और सब संत रहते हैं सोचना होगा कि यह आश्रम हम निर्माण कर रहे हैं अपनी शांति के लिए और लोगों को शांति का रास्ता बताने के लिए और वो काम नहीं हुआ तो फिर उद्देश्य बेकार होता है धन को और जमीन और मठ को जितना ज्यादा महत्व दिया जाएगा उतना ज्यादा मनुष्यों का तिरस्कार होता चला जाएगा प्रेम घटता जाएगा बताया जा रहा था अभी आपको सुंदर से सुंदर भोजन मिल जाए कपड़े मिल जाए सब कुछ मिल जाए किसी से किसी का प्यार ना मिले तो बेकार एक छोटा सा छोटा बच्चा भी चाहता एक अनाथालय में एक निशांतान दंपत्ति एक अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए गए वहां के जो व्यवस्थापक उनसे मिले कि हम बताए कि हम एक बच्चे को गोद लेने के लिए आए हैं कई बच्चे थे उन दिखाया गया तो एक बच्चा उस दंपत्ति को पसंद आया उन लोगों ने बच्चे से कहा बेटे तुम चलो हमारे साथ हमारे साथ चलोगे क्यों कहा कि तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा कहे कि तुम्हें रहने के लिए बहुत बड़ा घर मिलेगा खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी सामग्री मिलेगी उत्तम उत्तम भोजन मिलेगा घूमने फिरने के लिए गाड़ी मिलेगी सेवा करने के लिए नौकर मिलेंगे खेलने के लिए ऐसे सुंदर सुंदर खिलौने मिलेंगे नए नए कपड़े मिलेंगे का लड़के ने वो बच्चे ने कहा बस इतना ही तो तो धनी आदमी तो कहा तो तुम्हें और क्या चाहिए रहने के लिए बड़ा मकान चाहिए पहनने के लिए सुंदर कपड़े चाहिए खेलने के लिए खिलौना चाहिए घूमने के लिए गाड़ी चाहिए और टहलाने के लिए नौकर चाहिए तुम्हें और क्या चाहिए तब उस बच्चे ने कहा यदि आपके साथ जाने में मुझे इतना ही मिलेगा तो मैं मुझे तो ये सब इस अनाथालय में मिल रहा है कम ज्यादा तो आप साथ जाकर क्या करूँगा मैं तो दंपति ने कहा फिर तुम्हें और क्या चाहिए तो बच्चा कहता है मुझे किसी का दिल का सच्चा प्यार चाहिए तो अनाथालय में नहीं मिलता है तो बात यह है कि प्यार के मुक्त तो हर आदमी के अंदर है हम आश्रम में गए प्यार नहीं मिला आश्रम में गए अच्छी शिक्षा नहीं मिली आश्रम में गए धर्म की सीख नहीं मिली आश्रम में जाकर हम और उलझ गए तो मतलब क्या होता है हम स्वयं उलझे रहेंगे तो दूसरों को सुलझने का रास्ता क्या बताएंगे गुरुदेव जी कहा करते थे अनेक बार आप लोगों ने उनके प्रवचन में सुना होगा जब वहाँ प्रयागराज जहाँ हमारे कबीर पार संस्थान है वार्षिक अधिवेशन में और गुरुदेव जी ने शायद अपने ग्रंथों में लिखा भी है कि गुरुदेव जी ने जब प्रयागराज में वहाँ एक संस्थान की स्थापना की तो अक्सर वे चर्चा करते थे कि यहाँ हमारा उद्देश्य एक प्रकाशन पुस्तकों का प्रकाशन कराना तो है ही लेकिन इसके साथ साथ उद्देश्य यह है कि नए जिज्ञासु जो आते हैं घर छोड़कर के उन्हें संरक्षण मिले उन्हें साधना करने के लिए एक भूमिका मिले जो बुजुर्ग संत हैं पुराने संत या वृद्ध रोगी उनकी सेवा हो और साथ साथ यहाँ रह करके आने वाले जो भक्त सज्जन हैं और रहने वाले वो लोग हैं वो लोग आत्मकल्याण के लिए साधना कर सकें किन चीजें हैं किसी मठ किसी आश्रम के निर्माण के अर्थ में जो नए साधक आते हैं घर छोड़ के उन्हें रहने की जगह संरक्षण मिलना चाहिए मिलना जो पुराने संत हैं बुजुर्ग बूढ़े संत हैं वृद्ध हैं और रोगी हैं उनकी सेवा जो संत रहते हैं उनके लिए साधना की भूमिका और जो भक्त सज्जन आते हैं उन्हें धर्म और अध्यात्म की सीख जीवन जीने की सीख वास्तविक जो धन है आत्मधन उसका बोध ये सब मिले और ये सब मिलने के लिए ही गुरुदेव जी कहते थे मैंने यहाँ इस आश्रम का कई संस्थान का निर्माण शुरू किया यहाँ इसकी स्थापना इस करवाई है और वही वही उद्देश्य हर आश्रम के लिए होना चाहिए अब जब यदि हम सेवा को महत्व देंगे साधना को महत्व देंगे और आश्रम में रहने वाले जो संत हैं नए पुराने उनको महत्व देंगे तो कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने आप चीज़ें आती चली जाएगी आप लोग सेवा करने को तैयार हैं और इतना याद रखें जो नहीं मांगता है उसको मिलता चला जाता है जो मांगता है उसे उसको लगता है कि हमेशा कमी है कमी है मांगने वाले का मन कभी पूरा नहीं होता है उसे सदैव कमी 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 का अनुभव होता रहता है वो कमी की आग में हमेशा जलता रहता है और जो नहीं मांगता उसे इतना मिल जाता लगता भैया अब आवश्यकता नहीं हमको साधु हुआ जाता है मांगने के लिए नहीं साधना करने के लिए हम साधना करें अपने साधना मार्ग में चलें ठीक से यदि हमारा आचरण हमारा स्वभाव हमारा चरित्र हमारा त्याग हमारा वैराग सही है तो खिलाने वालों की कमी नहीं होगी और इनमें गड़बड़ी है तो जो खा रहे हैं उसको तो खींचने वाले भी कमी नहीं होगी श्रद्धे श्री विमल साहब जी जिन्हें हम लोग भंडारी साहब कहते हैं जब हम लोग नए नए आए थे बिल्कुल वो सौ पचहत्तर छिहत्तर की बात हो गया और यहाँ इलाहाबाद आश्रम की शुरुआत हुई सौ सत्तर में तब भी वे कहा करते थे नए साधकों को प्रायः देखो भैया साधु होने के लिए आए हो घबराना मत तुम अपने केवल त्याग और बैराग के मार्ग में चलो यदि तुम्हारा त्याग और वैराग्य सच्चा है तो तुम ये यदि ये व्रत ले लो प्रतिज्ञा कर लो कि मैं जिंदगी भर केवल सोने का भस्म खा करके रहूंगा और सोने का भस्म सोने कितना बनेगा तो तुम ये प्रतिज्ञा कर लो पेट भर सोने का खा कर जिंदगी भर रहूंगा तुम्हारा बैराग सच्चा है तो तुम्हें खिलाने वाले मिल जाएंगे बैराग मार बस चलो तो पहले लेकिन बैराग ही कमी है तब धीरे धीरे जो लोग आते रहते हैं, वो भी ही एक, एक करके छूटते चले जाएंगे तो कोई भी मठ है छोटे बड़े कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है कोई भी मठ है वहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं चाहे हम हो या दूसरे लोग हों उन्हें भी मठ चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है आखिर जो लोग आएंगे आप लोग आए हैं कुछ ना रहेगा हमारे पास तो खिलाएंगे क्या मर चल या सेवा कैसे होगी व्यवस्था कैसे होगी पैसे की आवश्यकता तो है लेकिन महत्व पैसे को नहीं देना है महत्व सेवा को देना है त्याग को देना है और साधना को देना है और सेवा त्याग और साधना ये तीनों को महत्व दिया जाएगा तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी हम भी प्रसन्न रहेंगे हमसे मिलने वाले भी प्रसन्न रहेंगे और जिसके बिना हम जी नहीं सकते भीतर की जो चीज़ वो चीज़ें बढ़ती चली जाएगी और जहाँ पैसे को महत्व दिया गया मकान को महत्व दिया गया जमीन को महत्व दिया गया सेवा घटेगी त्याग घटेगा साधना घटेगी और बैराग बराग करने के लिए चला जाएगा कुछ बचेगा नहीं अपने पास है गुरुदेव जी ने सदगुरु श्री रामेश्वर साहब का आशीर्वाद रहा है इस आश्रम के लिए संस्थान के लिए गुरुदेव जी की प्रेरणा उनका आशीर्वाद रहा है सदेव श्री शरण पाल साहेब जी श्री अमृत साहेब जी ही तो रहे हैं जिस आशा से सदगुरु श्री रामसुरत साहेब सदगुरु श्री अबिलास साहब श्रम पाल साहेब अमृत साहब जी अन्य संतों ने और और आप सब ने जिस आशा से मिल कर के इस आश्रम का निर्माण किया है और जिस आशा से चर से आशा से प्रेरित होकर इस आश्रम में आते हैं और सहयोग करते हैं उस सेवा त्याग साधना सद प्रेरणा जब तक इस आश्रम से आप सबको मिलती रहेगी आश्रम का विकास होता रहेगा इसमें कोई संदेह नहीं है और हम भी आश्रम में रहने वाले और आप सब को भी प्रसन्नता मिलती रहेगी हम और आप मिल करके जो हमारा अंतिम लक्ष्य है दुख की निवृत्ति शाश्वत शांति की प्राप्ति उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे मात्र उद्देश्य वही है दुखों की पूरी निवृत्ति मन की पूर्ण शांति और आत्मकल्याण उसी को केंद्र में रखना है उसी को केंद्र में रख करके मिलजुल करके सेवा करते हुए संतोष रखते हुए संगठन समता का भार रख करके व्यवहार करेंगे साधना करेंगे तो हमारे व्यवहारिक उन्नति भी हो जाएगी भौतिक उन्नति भी होगी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी इसलिए धन को महत्व नहीं देना है धन तो चाहिए लेकिन धन परिधि में हो केंद्र में सेवा और साधना केंद्र में सेवा और साधना जितनी रहेगी धन आता रहेगा हमारा भी कल्याण होगा और इस मठ के द्वारा आप लोगों की भी यथासंभव सेवा हो सकेगी और सौभाग्य यह है कि आप सबके मन में इस संस्थान के लिए आश्रम के लिए अत्यंत प्रेम है श्रद्धा भावना है सेवा भावना है उस सेवा भावना वो श्रद्धा भावना और प्रेम इस आश्रम के लिए संबल है आपका आप लोगों से संबल पा करके इस आश्रम के द्वारा या जो लोग हम लोग रहते हैं आप सबकी सेवा कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ इस आश्रम का निर्माण करना सफल हो जाएगा और जैसा आश्रम चल रहा है धीरे धीरे और हम इस आश्रम द्वारा आप सबकी सेवा कर सकेंगे इन्हें आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को यही पर्व में विराम देता हूँ हेलो कि जय त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज तीसरा और अंतिम दिन ये पहला सत्र पूज्य श्री साहेब जी के विचार जो अभी हम लोग सुन रहे थे चल रहा था और अब आ, गुरु पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा संस्थान की ओर से प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम दर्शन की बलिहारी और खाली बैठे उससे अच्छा है पीछे पीछे आप लोग भी गाएं सब लोग गाइए दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हरे दर्शन की बलिहारी दरस से संकट कट तू तु है तुम्हरे दरस से संकट कट तू है भरम पितावत भारी गुरु की तुम्हरे दर्शन की मनिहा yeah mm -hmm. चादर संतों को जो वितरित किया जा रहा है वस्तुतः पूज्य श्री अमृत साहब जी की स्मृति में जो प्रथम दिन का कार्यक्रम था जो भंडारा था उस दिन इसका वितरण होना था लेकिन संतों की उपस्थिति हो नहीं पाई थी वो कार्यक्रम में इसलिए आज उनकी स्मृति में ये चादर का उनकी जरूर सम्मिलित पावन आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य दुण दुण बना प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जय

सदगुरुदेव की सदगुरु कबीर साहेब की सदगुरु राम सूरत साहेब की सदगुरु अवतार साहेब की संत सरपाल साहेब जी की संत श्री अमृत साहेब जी की परम पुज गुरुदेव की संत समाज की भक्त समाज की साहेब अंदर की साहेब